हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम एक न्यू चैप्टर, वैसे मैं मुझे याद है कि मेटल नॉन मेटल पढ़ा रहा था मैं, लेकिन एक न्यू चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड? बच्चों ये ना मैं दोनों चैप्टर एक साथ लेके चलूंगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये दोनों चैप्टर में एक साथ लेके चलूंगा, कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है जी, तो आपको मैं बता दूं, ये दोनों चैप्टर एक साथ लेके चलूंगा। मैंने मेटल नॉन मेटल की दो क्लासें, तीन क्लासें शायद दे दी है, और अब इसकी भी आज एक क्लास दे दूंगा। काफी हद तक इसमें भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं और जरा लंबी क्लास लेके इसको कवर करते हैं। ठीक है, देखिए, तो कार्बन का बच्चों सिंबल होता है सी, कार्बन का सिंबल होता है सी। इलेक्ट्रॉन नंबर होते हैं 6, और ब्रेक करने पे कन्फिग्रेशन बनती है 2 और 4। अब इसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन आते हैं 4, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं 4। इस वजह से इसे भाई हम ये नहीं कह सकते ना ये इलेक्ट्रॉन देगा ना ये इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, क्योंकि अगर भाई 1 2 3 होता है तो इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, 5 6 7 होता है तो इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन ना दे सकता है ना ले सकता है। तो करेगा क्या भाई, शेयरिंग करेगा। क्या करेगा? शेयरिंग, क्योंकि जब 2 और 4 का केस आ जाता है तो शेयरिंग करता है, और शेयरिंग करने के बाद वो बॉन्ड बनाता है कोवलेंट, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। ठीक है, और भाई क्या करता है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन बनाता है, यानी कार्टिनेशन, कैटिनेशन ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की श्रृंखला बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन की श्रृंखला, ये इसकी खासियत है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से कार्बन के ये गुण है कि भाई इसका सिंबल होता है 6, सॉरी सी, इलेक्ट्रॉन नंबर होता है 6, कन्फिग्रेशन 2 4, बॉन्ड कोवलेंट बनाता है जो कि सबसे मजबूत बॉन्ड है, और भाई कार्टिनेशन ऑफ कार्बन यानी कार्बन की श्रृंखला बनाता है, लॉन्ग चेन बनाता है। ठीक है, तो फटाफट इसको उतारिए, फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे कराता हूं। ठीक है, ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब करते हैं क्या, हाँ जी, अब क्या करते हैं भाई, एलोट्रॉप्स होते हैं, एलोट्रॉप्स अपर रूप, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, अपर रूप होते हैं। अपर रूप समझते हो बच्चों? अपर रूप मतलब क्या, जैसे आप अपने फादर के एक न्यू रूप हो। ठीक है, मैं अपने फादर का एक रूप हूं। ठीक है, मेरे फादर मेरे दादाजी के एक रूप हैं, मतलब क्या उनके ही, मतलब जब अपर रूप, उस अपर रूप एलोट्रॉप्स मतलब क्या, जब किसी एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट फॉर्म हो रहा है, और वो चीज क्या है भाई, वो मतलब रिएक्शन करने पर या किसी के साथ रिएक्ट करने पर सेम वही काम करेगी जो ओरिजिनल चीज करती है। ठीक है, तो तीन एलोट्रॉप्स होते हैं भाई कार्बन के, एक होता है डायमंड, हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट, और तीसरा होता है बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है, बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है जी, चलिए अब जैसे डायमंड, हीरा, फर्स्ट क्या बनेगा पॉइंट में, हीरा क्या बनेगा? हीरा होता है बच्चों क्या, डायमंड होता है क्या, देखो मैं बता दूं भाई, सबसे पहली बात, इसकी खास बात, इट इज हार्ड एंड शाइनी, हार्ड एंड शाइनी, यह कठोर और चमकदार होता है। कठोर और चमकदार होता है, मतलब कि बहुत
भाई हार्ड होता है, आपको पता ही, इतना हार्ड होता है कि सुनने में ऐसा भी हम सुनते हैं कि अगर हथौड़ा मारा जाए तो हथौड़ा टूट सकता है, मतलब क्रैक आ सकता है उसमें, लेकिन हीरा नहीं, अगर ओरिजिनल हीरा है तो। दूसरा, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यह विद्युत का चालन नहीं करता है। नहीं करता है। तीसरा, इट हैज टेट्राहाइड्रल शेप, टेट्राहाइड्रल शेप, ठीक है, इसकी आकृति यानी इसकी आंतरिक आकृति जो है वो कैसी होती है, टेट्राहाइड्रल। आखिर होती है, फोर्थ, इसकी आकृति टेट्राहाइड्रल होती है, ठीक है, फोर्थ, फोर्थ क्या है बच्चों, हाँ फोर्थ क्या है, इट है टेट्राहाइड्रल से, फोर्थ क्या है, इट इज कंप्लीटली कंप्लीटली बर्नट इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रोड्यूस CO2 एंड नो एस, एंड नो एस, भाई क्या यह हवा के साथ, यह है हवा की उपस्थिति में, हवा की प्रेजेंस में, उपस्थिति में पूर्ण रूप से जल जाती है, पूर्ण रूप से जल जाती है और CO2 निकालती है तथा कोई राख नहीं छोड़ती, कोई कोई राख नहीं छोड़ती, ठीक है भाई। चलो अगला कौन है, ग्रेफाइट, अगला कौन है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है भाई, ये क्या है, इट इज सॉफ्ट एंड शाइनी, यह मुलायम और चमकदार है, ठीक है। सेकंड, यह विद्युत का चालन करता है, यह विद्युत का चालन करता है, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड, इट हैज लीनियर शेप, ठीक है, यह रैखिक आकृति का होता है, का होता है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट सेम, कि जब इसको भी आप हवा के प्रेजेंस में जलाएंगे, एयर के प्रेजेंस में जलाएंगे, तो कंप्लीटली जल जाएगा और कोई राख नहीं छोड़ेगा, ठीक है भाई। अगला, बकमिंस्टर फ्लोरिन, ये क्या होता है भाई, ये बता दूं, इट इज नीदर सॉफ्ट, नीदर हार्ड नॉर सॉफ्ट, यह ना ही कठोर है और ना ही मुलायम, सेकंड, सेकंड क्या भाई, इट डज नॉट कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, यह विद्युत का चालन नहीं करता है, ठीक है। थर्ड, ठीक है, इट हैज फुटबॉल शेप, इट हैज फुटबॉल शेप, यह फुटबॉल आकृति का होता है, ठीक है। फोर्थ,
इट इज ब्लैक एंड ओपेक, ब्लैक एंड ओपेक एट रूम टेम्परेचर। ठीक है जी, यह है कमरे के ताप पर, यह कमरे के ताप पर काला और भद्दा होता है। भद्दा होता है। पांचवा पॉइंट क्या है? हाँ भाई, पांचवा पॉइंट तो यही है सेम, कि भाई ये भी जल के पूरी तरीके से क्या हो जाता है भाई, पूरी तरीके से CO2, और कोई राख नहीं छोड़ता, पूरा CO2 निकाल देता है। अच्छा, बकमिंस्टर का दूसरा नाम है C60, बकमिंस्टर फ्लोरीन का दूसरा नाम है C60, क्यों? तो सिक्स्थ पॉइंट लिखेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज C60 बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय 60 एटम्स ऑफ कार्बन, 60 एटम्स ऑफ कार्बन। यह C60 के नाम से जाना जाता है क्योंकि क्योंकि इसमें कार्बन के 60 अणु हैं, 60, हाँ 60 परमाणु हैं। ठीक है, 60 परमाणु है, लिख लो। तो बच्चों ये है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, फटाफट नोट कर लो, और ये आपका खत्म। ठीक है, नोट कर लो इसे। ठीक है, चलो ये नोट हो गया होगा। ठीक है, अब आगे करते हैं हम। टॉपिक लिख लो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, टॉपिक लिख लो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, चलो ठीक है, चलिए अब अगला आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना। तो बहुत आसान है, हम तीन तरह के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कौन कौन से? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एकल आबंध, द्वियाबंध, त्रियाबंध। तो सबसे पहले मैं आपको सिंगल बॉन्ड पढ़ाने जा रहा हूं। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? सिंगल बॉन्ड पढ़ाने जा रहा हूं। तो ये देख लो फटाफट, सिंगल बॉन्ड,
एकल आबंध। ठीक है जी, सिंगल बॉन्ड एकल आबंध। चलो तो शुरू करते हैं भाई। हाँ जी, तो सिंगल बॉन्ड कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए आपको ये दिया हुआ CH4, ठीक है, इसको कैसे किया जाए? तो देखो भाई, मैं आपको इतना बता दूं, आपको सिर्फ इन चीजों से मतलब है कि आखिरी में, लास्ट में किसके सेल में, आखिरी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो आपको पता, कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, अगर आप उसको ब्रेक करेंगे तो बनेगा 2 और 4, तो आखिरी में कितने आए? 4 आ गए। और हाइड्रोजन का तो होता ही 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब उसके लास्ट में कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये है कि हमारा टारगेट है भाई कि कार्बन के 8 पूरे कर दे, क्योंकि भाई सेकंड सेल में 8 होने चाहिए, तो 4 हैं, बस 4 शेयर कर लेंगे तो 8 बन जाएंगे। और हाइड्रोजन है, उसका 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी फर्स्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो शेयर करके 2 कर दो। तो हाइड्रोजन के पास आपको 2 करने हैं और कार्बन के पास आपको 4 और 4 8 करने हैं। तो कैसे करेंगे? देखो, ये रहा कार्बन भाई, कार्बन के पास होते हैं लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमने बना दिया 4 इलेक्ट्रॉन, बना दिया भाई। अब हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन ये है ना, हाइड्रोजन बना दिया भाई, ये रहा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब कह रहे इसके बॉन्ड दिखाओ, तो बस ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये कर दिया 1, ये कर दिया 2, ये कर दिया 3, ये कर दिया 4, शेयरिंग कर ली, कार्बन के 2 2 4 2 6 और 2 8 बन गए, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 2। ये कैसे करके किया इन्होंने? शेयरिंग करके किया है। कैसे करके? शेयरिंग करके। एक और देखो, C2H6, तो कितने सी हैं? 2 सी हैं, तो भाई दोनों का पहले 4 4 इलेक्ट्रॉन बांट दो। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, ठीक है, क्रॉस 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 क्रॉस, पेयर 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 पेयर, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हमने इसे कर लिया भाई। ठीक है, इसी तरीके से C3H8 आपको करना है, C4H10 आपको करना है, C5H12 आपको करना है, C6H क्या करना भाई, 14, C7H16, C8H18, ठीक है, C9H20 और C10H22। ठीक है, ये आपको घर से करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, नोट करो, फिर डबल बॉन्ड कराता हूं, जल्दी नोट करो, फिर डबल बॉन्ड। चलो हो गया, नेक्स्ट देखो भाई। ठीक है, अब देखो, क्या भाई डबल बॉन्ड, द्वि आबंध, C2H4, ये आ गया भाई। अब डबल बॉन्ड है, तो मैंने आपको एक बात पहले ही बता दूं कि डबल बॉन्ड की शर्त पता है क्या है, कि दो कार्बन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड लगाना है, और वो भी किसी भी दो कार्बन में, सारे कार्बनों में नहीं, किसी भी दो कार्बन में एक बार डबल बॉन्ड लगाना है, आपका काम पूरा हो जाएगा। जैसे भाई ये 2C है, भाई मैंने ये 2C ले लिए, ये मैंने डबल बॉन्ड के लिए तैयार कर दिया इनका हिसाब किताब, तो भाई सी के पास 2 इलेक्ट्रॉन तो दे चुके हैं, 2 और देना है, तो एक यहां दे दो, या एक काम करो, एक ऊपर दे दो एक नीचे दे दो, इसके भी 2 पूरे हो चुके हैं, तो एक ऊपर एक नीचे, देखो 4 हो गए। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने? 4, तो जो जो बाहर है उनके सामने लगाओ, हाइड्रोजन उनके सामने लगाओ जो जो बाहर है। ठीक है, लगाओ भाई, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, करो पेयरिंग, एक पेयरिंग पेयरिंग पेयरिंग
और ये पेयरिंग, पल्ले पड़ गई बात। इस तरीके से डबल बॉन्ड है बच्चों। नहीं आया समझ में, एक और देखो, C3H6, कितने सी हैं? तीन सी। किसी भी दो के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, आपकी मर्जी इसमें लगाओ, आपकी मर्जी इसमें लगाओ। मान लो इसमें लगा दिया हमने, ये डबल बॉन्ड, इसके दो हो चुके हैं लेकिन इसके पीछे कार्बन है तो एक लगाएंगे और, तीन हो गए। चौथा प्लेस करना कहीं भी कर दो, ऊपर नीचे कहीं भी। इसके दो हो चुके हैं, एक मान लो यहां कर लिया, एक मान लो यहां कर लिया, हो गए चार। इसका तो एक भी पूरा नहीं हुआ है, तो एक दो तीन चार, ठीक है। जिसका डबल बॉन्ड होगा बस उसमें हाइड्रोजन छह है, एक दो तीन चार पांच और ये छह। करो भाई बॉन्ड पूरे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, देख रहे हो गया ना इजी। एक और देख लो, चलो लगे हाथ, C4H8। तो कितने? एक दो तीन चार, चार सी है। मान लो मैंने ये बीच वालों के मैं ले लिया डबल बॉन्ड, तो एक इसके पीछे है ये, एक इसके आगे है ये, तीन हो चुके हैं। चौथा यहां लगा दो, इसका भी चौथा यहां लगा दो, ये अकेला है। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, क्रॉस पेयर क्रॉस पेयर क्रॉस पेयर 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 क्रॉस पेयर क्रॉस पेयर 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 और ये पेयर, देख रहे हो। तो इस तरीके से सब कुछ वैसे ही करना, बस एक बार डबल बॉन्ड का यूज करना है, ठीक है। C5H10, C6H12, C7H14, C8H16, C9H18 और C10H20 कर रहा। नोट करो और ये करना है आपको। ठीक है, नोट हो गया होगा। अब ट्रिपल बॉन्ड देखो, बस वीडियो पॉज करना है और समझते चलना है क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। बस अपने दिमाग में यही बात डालो कि भाई मेरे को कार्बन के चार बॉन्ड पूरे करना है, चाहे कैसे भी करूं मैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कैसे भी कि कहीं भी आगे पीछे, तरीके से पूरे करने हैं। हाँ भाई, ट्रिपल बॉन्ड, त्रियाबंध, ठीक है। जैसे C2H2, तो C कितने C हैं? दो C। लगाओ जरा भाई ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या? जैसे डबल बॉन्ड कर रहे थे वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो तीन हो चुके हैं, चौथा लगाना यहां लगा दो, तीन हो चुके हैं चौथा लगाना यहां लगा दो, आपकी मर्जी है, ऊपर भी लगा सकते हो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्रॉस क्रॉस पेयर 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 पेयर, ठीक है। इसी तरह C3H4, तीन सी है, किसी भी दो के बीच में लगा दो। मान लो यहां लगा दिया हमने, यहां लगा दिया, इसके तीन हो गए, चौथा यहां लगा दो, इसके तीन हो गए, चौथा यहां लगा दो, तो इसके तो चार हो गए पूरे। इसका एक दो तीन चार, चार हाइड्रोजन है, एक तो यहां पे पेयर बनेगा, एक यहां पेयर बनेगा, एक यहां पेयर बनेगा, एक यहां पेयर बनेगा, एक ये पेयर बनेगा। हाइड्रोजन लगाओ, ये पेयर बनेगा, हाइड्रोजन लगाओ, ये पेयर बनेगा, और ये एक हाइड्रोजन यहां लगाओ, ये पेयर बनेगा। समझ में आ गई बात? इस तरीके से, इस तरह C4H6, तो एक दो तीन चार, ठीक है। मान लो मैंने बीच में लगा दिया, ठीक है। तो तीन इसका हो गया, एक पीछे चौथा, तीन इसके हो गए, एक पीछे चौथा। हाँ, इस केस में तुम ऊपर नीचे नहीं लगा सकते क्योंकि इसके पीछे भी है और इसके आगे भी है, तो चार चार हो चुके हैं। अब इसका करो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार छः, एक दो तीन और ये इसका पेयर, चार हो गए, एक उधर हो ही चुका है, दो तीन और ये चार, फिर ये तीन इधर हो ही चुका है, एक ये चार। अब हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है, करो। और ये घर से करना, C5H
एट, सी सिक्स एच टेन, सी सेवन एच ट्वेल्व, सी एट एच फोर्टीन, सी नाइन एच सिक्सटीन, सी टेन एच एटीन। याद करना फिर से, नोट कर लो फटाफट। ठीक है, चलो अगला देखो। सॉरी, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है बच्चों, दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। हाँ भाई, हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं बच्चों। एक होता है सैचुरेटेड, संतृप्त, और दो होते हैं अनसैचुरेटेड। और दो होते हैं अनसैचुरेटेड। असंतृप्त, ठीक है। सैचुरेटेड में आता है एल्केन। क्या आता है? एल्केन। अनसैचुरेटेड में आता है एल्कीन। फिर दूसरा आता है एल्काइन। ठीक है, फिर दूसरा आता है एल्काइन। ठीक है, तो सैचुरेटेड में आता है एल्केन और अनसैचुरेटेड में आता है एल्कीन और एल्काइन। क्या क्या आता है? एल्कीन और एल्काइन। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनेंगे। सैचुरेटेड में एल्केन और अनसैचुरेटेड में एल्कीन अल्काइन। ये एल्केन ना बच्चों सिंगल बॉन्ड होता है, ध्यान रखना, और जो ये एल्कीन होता है ये डबल बॉन्ड होता है, और जो एल्काइन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको फिगर्स बताई है ना, वो इलेक्ट्रॉन डॉटेड स्ट्रक्चर में वो इन्हीं की है, एल्केन एल्कीन अल्काइन। बस अब इसकी पहचान जाननी है आपको तो बात बात खत्म। एल्केन की पहचान होती है सी एन एच टू एन प्लस टू, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, और एल्कीन का फॉर्मूला है सी एन एच टू एन, जबकि एल्काइन का फॉर्मूला है सी एन एच टू एन माइनस टू। मतलब याद कैसे करें? मतलब याद कैसे करें? एल्केन में देखो हाइड्रोजन
कार्बन के डबल से दो ज्यादा है। एल्केन में याद कैसे करेंगे? हाइड्रोजन कार्बन के डबल से दो ज्यादा है। एल्कीन में देखेंगे हाइड्रोजन कार्बन का डबल है, हाइड्रोजन कार्बन का डबल है। एल्काइन में देखेंगे हाइड्रोजन कार्बन के डबल से दो कम है, हाइड्रोजन कार्बन के डबल से दो कम है, हाइड्रोजन कार्बन के डबल से दो कम है। तो बस आपको तीन बातें याद रखनी है। पहला, हाइड्रोजन कार्बन के डबल से दो ज्यादा एल्केन, हाइड्रोजन डबल एल्कीन, हाइड्रोजन डबल से दो कम एल्काइन। कोई दिक्कत? अब देखो, तो इस प्रकार से अब हमें इसमें गेम शुरू करनी पड़ेगी और n की वैल्यू हमें यहां पे पुट करनी पड़ेगी। मान लो n पुट कर दिया 1, तो आएगा सी वन एच वन, टू वन जा टू और टू फोर। फिर पुट करके देखते हैं 2, सी n की जगह पे 2, यहां पे पुट करो 2, 2 टू जा 4 और 2 6। फिर पुट करके देखो 3, तो सी थ्री एच, 3 टू जा 6 और 2 8। अगर आप सिंगल बॉन्ड देख रहे होंगे तो आपको फील हो गया होगा कि सिंगल बॉन्ड की पहचान कैसे करनी है। कैसे करोगे? अगर हाइड्रोजन कार्बन के डबल से दो ज्यादा है, हाइड्रोजन कार्बन के डबल से दो ज्यादा है, हाइड्रोजन कार्बन के डबल से दो ज्यादा है, तो कौन से ग्रुप से होगा? एल्केन ग्रुप से होगा, यानी सिंगल बॉन्ड से होगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में मैंने अभी करवाया है। अगला, इसमें देखो, इसमें एन इज इक्वल टू 2 से पुट करते हैं। क्यों करते हैं? इसका रीजन दूंगा मैं अभी थोड़ी देर में। देखो सी टू एच, टू टू जा 4। इस तरह n इज इक्वल टू 3 पुट करो, सी थ्री एच, थ्री टू जा 6। इस तरह 4 पुट करो, सी फोर एच 8। पल्ले पड़ रही बात? अगला, यहां पे भी ऐसा ही है, n बराबर 2। अब देखो एल्काइन की पहचान क्या बताया? कि हाइड्रोजन कार्बन के डबल से दो कम होगा। यहां पे दो ज्यादा था, वहां पे दो कम होगा, ठीक है, दो कम होगा, ठीक है। तो कैसे होगा? देखो सी टू एच, टू टू जा 4, 4 में से 2 गया 2। आप देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड का मैंने जो करवाया उसमें ऐसा है। फिर n इज इक्वल टू 3, सी थ्री एच, थ्री टू जा 6, 6 में से 2 गया 4, ठीक है। फिर n इज इक्वल टू 4 पुट करो, सी फोर एच, 4 टू जा 8, 8 में से 2 गया 6। देख रहे हो, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों हमने इनकी वैल्यू पुट करी है और ये सब निकाला है। अब क्या इसको निकालने से कोई फायदा हो जाएगा? इसको निकालने से हम कुछ बना पाएंगे? तो बच्चों इसको निकालने के बाद अब नाम रखना शुरू करना है। क्या रखना शुरू करना है? नाम। तो चलिए जरा नाम रखते हैं, नाम रखते हैं। नाम रखते हैं। पहला, पहले आपको गिनती याद होनी चाहिए। एक का मतलब होता है मिथ, दो का मतलब एथ, तीन का मतलब प्रॉप, चार का मतलब ब्यूट, पांच का मतलब पेंट, छह का मतलब हेक्स, सात का मतलब हेप्ट, आठ का मतलब ऑक्ट, नौ का मतलब नॉन और दस का मतलब डेक। लेकिन आपको सिर्फ छह तक याद करने हैं, छह तक इंपॉर्टेंट है आपकी बुक में, कोर्स में छह तक है, ठीक है। तो अब कैसे नाम देना है ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। पहले तो याद करो 10 तक की गिनती। मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ऐसे बोलना है आपको। मिथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ठीक है। तो नाम दो भाई। पहले तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जब भी इस टाइप का कुछ भी दे दिया जाए, इस टाइप का कुछ भी दे दिया जाए, तो पहले भाई आप ना इसका ग्रुप चेक करो, इसका समूह चेक करो कि यह ग्रुप कौन सा है। तो जैसे मान लो आपको यह दे दिया, तो आपने देखा भाई यह कार्बन है 1 और 1 का डबल होता है 2 और 2 में 2 जोड़ते 4, तो ग्रुप कौन सा हुआ? एल्केन। यानी अगर हाइड्रोजन कार्बन के डबल से, हाइड्रोजन कार्बन के डबल से दो ज्यादा है तो एल्केन ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा? एल्केन। अब नाम देना है। एक कार्बन है तो लगाओ मेथ और एल्केन का उठा लो एन। क्या उठा लो? एन। तो बस नाम क्या बन गया? मिथ एन, मिथ और ये एन, मिथ उठाया और ये एन उठाया, मिथ एन।
इसी तरह दो कार्बन है तो एथ और ऊपर से उठा लो एन, एथेन, एथ और एन, एथेन। इस तरह तीन है तो प्रोप और एन, प्रोपेन। ठीक, इसी प्रकार से यहां पर है। अब देख लो, कार्बन दो और हाइड्रोजन चार, यानी हाइड्रोजन कार्बन का डबल है, और अगर हाइड्रोजन कार्बन का डबल हो तो वो क्या होगा, एल्कीन होगा। क्या होगा, एल्कीन। तो बस दो कार्बन है तो दो में क्या लगता है, एथ, और इसका उठा लो ईन तो एथीन, एथ और ऊपर से इसका उठा लो ईन, ई की मात्रा और ना, एथीन। इधर तीन है तो प्रोप और ईन, प्रोपीन, प्रोपीन। चार तो ब्यूट ईन, ब्यूटीन, समझ रहे हो। इसी तरीके से इसमें भी आएगा बच्चों, इसी तरीके से इसमें भी आएगा। ठीक है, नाम दो। हाँ जी, हाइड्रोजन कार्बन के डबल से दो कम है, हाइड्रोजन कार्बन के डबल से दो कम है तो इसका मतलब कौन सा ग्रुप है, एल्काइन ग्रुप है, और ट्रिपल बॉन्ड का होता ही है, तो बस बात खत्म, नाम देना है इसे। हाँ भाई, दो है तो एथ, तो एथ, और इसका क्या उठाओगे, आइन तो एथाइन, एथ आइन, एथाइन। तीन है तो प्रोप और फिर आइन, प्रोपाइन। ठीक है, फिर ये चार है तो ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। कोई दिक्कत है भाई, इस प्रकार से हमारे पास ये पूरा फॉर्मेट बनता है। ठीक है, फटाफट नोट कर लो, फिर इसके आगे करते हैं। चलिए शुरू करें। सॉरी। हाँ जी, अब जैसे ये नाम हम तो हो गया, बस एक थोड़ा सा और पढ़ा देता हूं, ठीक है, फिर आज का टॉपिक खत्म। ठीक है, देखो जरा क्या है, एक मिनट बच्चों, लगता पानी पीना पड़ेगा। चलिए अब जरा कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर। देखो अभी जैसे मैंने बताया सी, इधर आप एच बनाते थे, इधर ये बनाते थे, इधर क्रॉस, तो ऐसे। तो यानी कि जब बॉन्ड को क्रॉस से मिलाया तो भाई एक लाइन खींच गई, और इस लाइन का मतलब ये हुआ कि भाई ये दो बॉन्ड को, ये दो इलेक्ट्रॉन को आपस में कंबाइन कर रही है, मतलब बॉन्ड बना रही है। दो इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में क्या बना रही है, ये क्या बना रही है भाई, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में ये बॉन्ड बना रहा है। और जब बॉन्ड बन जाएगा तो इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड बन गया, एक पक्का बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं।
ठीक है, आओ शुरू करते हैं। तो भाई कैसे, अब ये सी था, हाँ भाई सी फोर एच 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 एच, तो ये बॉन्ड पॉइंट लगाए थे ऐसे, पॉइंट लगाता क्रॉस लगाता, पॉइंट लगाता क्रॉस लगाता, क्रॉस पॉइंट पॉइंट क्रॉस, तो ऐसे लाइन खींचते। तो अब ये पॉइंट क्रॉस करने की जरूरत है नहीं आपको कुछ भी, ठीक है। अब क्या करो, सीधा एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड, बात खत्म। इस बॉन्ड का ही मतलब है कि एक जगह पे पॉइंट है एक जगह पे क्रॉस है, ठीक है। तो इसका मतलब ही होता है कि हमने भाई क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को आपस में कनेक्ट कर दिया। C2S6 है तो दो, आपको पता ही है एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, लगा दो भाई सिंगल बॉन्ड। C3 है, सबका सिंगल बॉन्ड प्रिपेयर कर दो, ठीक है। इसी तरह बच्चों आपको 10 तक करना है, C3 है ना, 10 तक करना है। इसका भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, इसका भी कुछ ऐसा ही है, नाम उस तरफ कर दूंगा, इसका नाम उस तरफ कर लेना, समझ गए ना, एथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन थी, तो वैसे भी तुमने नोट कर ही लिया, ठीक है। दो सी है तो मैंने बताया था ना, डबल बॉन्ड किसी भी दो कार्बन के बीच में लगेगा, तो ये हो गया एच 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 एच। अब ये तीन कार्बन है तो किसी के बीच में भी डबल बॉन्ड लगा दो, मान लो यहां लगा दिया, ठीक है, तो एच एच हो गए चार, ये तीन हो गया, ये चार, एक दो तीन और ये चार, इस तरह चार है, एक दो तीन चार, कहीं भी लगा दो डबल बॉन्ड, ये देखो तीन तीन हो गए, इसका एक दो तीन और ये चार, ये तीन हो चुका है चार, ये तीन हो चुका है चार, ये एक है दो तीन चार, समझ में आ गई बात। इसी तरह इसमें ट्रिपल बॉन्ड में दो सी है, ये लो दो सी, ट्रिपल बॉन्ड, एक एच यहाँ एक एच यहाँ, हो गए चार बॉन्ड, तीन है, एक दो तीन, किसी भी दो के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये तो देखो इसके तो चार पूरे हो गए, इसके तीन है तो एक ऊपर लगा दो या कहीं भी लगा दो, इसका एक है दो तीन चार, इसके कितने चार, एक दो तीन चार, यहां लगा दो तीन, इसका चार, इसका चार, तो बचे कौन, ये एक दो तीन, एक दो तीन और ये चार, इस तरीके से बच्चों बॉन्ड पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये हाइड्रोकार्बन खत्म, हाइड्रोकार्बन खत्म, ठीक है। तो अब हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में एल्काइल ग्रुप, आइसोमर्स, होमोलोजस, ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे आगे की कहानी शुरू करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज की कहानी यहीं समाप्त।